is Aprajita from avidyarthi.in, and let's continue the topics from chapter number 1, resources from a book, Geography. So, चलिए भाई topic पे आते हैं. Topic है हमारा biotic and abiotic. भाई बहुत ज़्यादा easiest topic है इस chapter का, मैं ऐसे बोलूँगी. तो चलिए जल्दी से करते हैं कि abiotic and biotic है क्या. Abiotic है are no living in nature, यानी कि वो nature में जीता नहीं है, हमारी तरह सांस नहीं लेता, हमारी तरह खाता पीता नहीं है और अपना खाना भी नहीं बनाता है, साथ ही साथ उसमें मतलब प्राण ही नहीं है, वो नॉन लिविंग है नेचर में, उसको ऐसे माना जाएगा. इसके एग्जांपल्स देखिए, सॉइल हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया एंड आप देख सकते हैं रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए. अब भाई रॉक, हाँ जी रॉक, क्योंकि ये देखिए एक रॉक ही में चाहिए, ठीक है. सो रॉक क्या अपना खाना बनाती है? नहीं बनाती है. क्या रॉक सांस लेती है? नहीं लेती है. तो भाई कंकड़ पत्थर कहां से सांस लेंगे? लेकिन हाँ, जो लोग लिविंग होते हैं नेचर में वो तो लेते ही हैं ऑब्वियसली. सो लिविंग, जो लिविंग होते हैं नेचर में उन्हें कहा जाता है बायोटिक. बायोटिक क्या है? आर लिविंग इन नेचर, यानी कि जो नेचर में जिंदा है, जी रहे हैं. इसके एग्जाम्पल क्या है? एनिमल है, प्लांट्स है. अब आप देख सकते हैं ऑब्वियसली ह्यूमंस भी आ सकते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट सा टाइगर बैठा हुआ है भाई. जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ये भी सांस लेता है, जैसे हम खाना खाते हैं एक्सक्रीशन करते हैं वैसे ये भी करता है, साथ ही साथ जैसे हम सोते हैं वैसे ये भी सोता है, ठीक है. सो कुछ चीजें भाई इनसे रिलेटेड है. तो आप प्लांट्स को ले लीजिए, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट. फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, साथ ही साथ वो बड़े खुद होते हैं, पानी अंडरग्राउंड वाटर सब कुछ वो खुद से करते हैं. दे आर ऑल्सो लाइक ह्यूमंस. तो जो चीजें नेचर में लिविंग है उन्हें कहा जाएगा बायोटिक, एंड जो नेचर में लिविंग नहीं है उन्हें कहा जाएगा एबायोटिक, ठीक है. इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल्स है देखिए, यहाँ पे छोटी सी जेली फिश आ गई, एनिमल्स आ गए, एंड क्या है, एंड यहाँ पे भाई आ जाता है एक छोटा सा ह्यूमन आ जाता है, एंड प्लांट्स आ जाते हैं, एंड वर्म्स, दीज आर लाइक वर्म्स हो गए, एंड इसको लाइक जो डिकम्पोजिंग प्रॉपर्टीज जिनके पास होती है, लाइक वो डिकम्पोजर भी इन्हें कहा जा सकता है. तो दीज आर लिविंग थिंग्स, ठीक है. सो बायोटिक क्या है? लिविंग थिंग्स है. एंड एबायोटिक क्या है? These are organisms, okay? So, abiotic क्या आ जाता है भाई? कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं भाई, बारिश की बूंदे आ जाती हैं, वो भी abiotic है, विंड आ जाती है वो भी abiotic है, साथ साथ volcanic eruption ले लीजिए आप, हॉट टेम्परेचर ले लीजिए, सारी चीजें सांस नहीं लेती है, खाना नहीं बनाती है. सो साधारण सी बात है कि ये हो गई एबायोटिक, ठीक है. सो काफी ज्यादा सरल सा टॉपिक था, इसमें कोई भाई इतना ही टॉपिक है, ये कोई बहुत ज्यादा माथा सर लगाने की जरूरत नहीं है. दिस वॉज द इजिएस्ट टॉपिक इन योर दिस चैप्टर. सो आई होप यू, आपको समझ आया होगा ऑब्वियसली. सो बाकी के जितने टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.